सचिव अवनीश अवस्थी के साथ बातचीत की हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे ने। मगहर में इस वक्त प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे और कबीर स्थली पर, समाधि स्थल पर उन्होंने आकर के फूल चढ़ाए, चादर चढ़ाए। हमारे साथ अवनीश अवस्थी जी, इस पूरे आयोजन के आर्किटेक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने कन्विंस किया यहां पर आने के लिए, क्या कैसा रहा? क्योंकि आपको हम लोगों ने देखा बड़ी स्क्रीन पे, आप उनसे कुछ कहते हुए दिख रहे थे, उनको कुछ समझा रहे थे कि इस पूरे इलाके का डेवलपमेंट कैसे करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश हम लोगों को दिया कि यहाँ कार्यक्रम बनाए। सांसद जी का जो है सुझाव भी था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिए कि एक बड़ा आयोजन यहाँ हो और यहाँ इस अवसर पर महाराज जी स्वामी जी के सहयोग से हम लोगों ने आयोजन किया। मूलतः पर्यटन विभाग से करीब 25-26 करोड़ के कार्य हो रहे हैं। बाउंड्री वॉल यहाँ बहुत ज़रूरी थी, यहाँ पर इंटरप्रिटेशन सेंटर और बाकी कार्य होने बहुत ज़रूरी थे। ये भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय स्वदेश योजना के अंतर्गत ये कार्य शुरू किए गए थे, अब लगभग 40-50% कार्य हो गए हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संस्कृति विभाग के उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो प्रस्ताव रखा गया था उस पर आज जो है उन्होंने उसका शिलान्यास किया, जो संत कबीर अकेडमी है। ये अकेडमी न केवल सांस्कृतिक और जो गाने हैं, जो नृत्य है, जो ललित कला है उसको जोड़ेगी, साथ साथ इस एकेडमी में शोध और रिसर्च भी होगा। और जैसा स्वामी जी ने कहा, अभी महाराज जी ने कहा कि कबीर से जुड़ी हुई चीज़ों को सरकारी न करके उसको एक ऑर्गेनिक रूप में जो है जोड़ा जाए। सभी कबीर जो कबीर की जो टीचिंग्स हैं, कबीर का जो पूरा संत कबीर का जो पूरा इतिहास है लोगों तक पहुंच सके, जन जन तक पहुंच सके, इसके लिए हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी।